हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़े अच्छे लगते हैं सीज़न 2 के बारे में। तो कल ही मैंने इस चीज़ पे वीडियो बनाया था कि मेकर्स प्लान कर रहे हैं इस सीरियल में 20 साल का लीप लेने का, और दिशा परमार और नकुल मेहता दोनों शो को कर देंगे क्विट। अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे ज़रूर देख लीजिए डिटेल्स के लिए। लेकिन अब आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि 20 साल का लीप मेकर्स इसलिए प्लान कर रहे हैं बिकॉज वो चाहते हैं टीआरपी में इंक्रीज़ आए, जो कि उन्हें करंट स्टोरी लाइन के साथ उतनी ही टीआरपी मिल रही है। उन्होंने काफ़ी चेंजेस करने का ट्राई कर लिया है, तो अब वो इमली के टाइप या फिर हम कहें ये रिश्ता क्या कहलाता है की तरह, या फिर दूसरे शोज जिन्होंने जनरेशन लीप लिया है उस टाइप की चीज़ कर रहे हैं और शो में नए एक्टर्स वगैरह को ऐड करना चाहते हैं। तो इसी के कारण 20 साल का जो लीप का प्लान वो कर रहे हैं। नकुल मेहता और दिशा परमार तो शो का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो अब हम बात करें कि ये दोनों ने शो को अगर क्विट करने का डिसीज़न जो लिया है वो क्यों लिया है, यानी कि दोनों शो को क्यों लीव कर रहे हैं। तो गाइज, इसका रीज़न जो है वो ये है कि एकता कपूर और चैनल जो है वो तो यही चाहते थे कि जनरेशन लीप यानी कि 20 साल के लीप के बाद भी ये दोनों शो का हिस्सा रहें, बिकॉज इन दोनों की बहुत ही अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत अच्छा फैन बेस है, और इन्हीं के कारण बच्ची खुशी टीआरपी जो है वो आती है टीवी पे, और ऑनलाइन टीआरपी पे तो इस शो को बहुत ही प्यार मिलता है, इन दोनों एक्टर्स को बहुत पसंद किया जाता है। तो एकता कपूर ने इन्हें नहीं कहा शो को छोड़ने को, ना ही सोनी वालों ने या बाकी मेकर्स वगैरह ने, ये इनका खुद का डिसीज़न था। बिकॉज अगर जनरेशन लीप के बाद इन्होंने कंटिन्यू करना था तो मेकर्स ने कहा था इनको एज अप होना पड़ेगा ऑब्वियस, तो इस 20 साल के लीप के बाद इन्हें अपने करेक्टर्स का एज्ड वर्जन या फिर बूढ़ा वर्जन प्ले करना पड़ता, जो कि इन दोनों एक्ट्रेस को पसंद नहीं था। और यही नहीं, ये हमें पता ही है, अगर 20 साल का लीप आएगा और इनकी बेटी पे शो पूरी तरह से फोकस आएगा, फिर नया मेल लीड भी आ जाएगा, तो इनके करेक्टर्स पे उतना फोकस नहीं करा जाएगा। तो इन दोनों का जो डिसीज़न है वो भी पूरी तरह से सही ही है। मोस्टली यही होता है, जो भी शो जनरेशन लीप लेता है उनके एक्ट्रेस एज अप होना नहीं चाहते होते, इसी करके वो शो को क्विट कर देते होते हैं। यही डिसीज़न इन दोनों का भी है। मेकर्स और चैनल ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी कि इनको रोक लिया जाए, लेकिन ये दोनों नहीं माने। अगर शो में लीप लिया जाएगा तो ये दोनों शो को क्विट कर देंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि जो 20 साल का लीप है स्टिल प्लानिंग स्टेज में ही है, राइटिंग स्टेज में ही है, तो कभी भी किसी भी मोमेंट इनका माइंड भी ज़रूर चेंज हो सकता है, बिकॉज इन दोनों एक्ट्रेस के बिना आई डोंट थिंक ये शो बिल्कुल भी चलने वाला है। लेकिन स्टिल आजकल हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये रिश्ता और इमली के टाइम भी यही लग रहा था, लेकिन स्टिल उनकी जनरेशन लीप के बाद भी शो काफ़ी सही से चल रहे हैं। तो अब हम बात करें कि ये लीप लिया कब जाएगा सीरियल में। तो गाइज, अभी के लिए जो है नॉर्मल एपिसोड्स की शूटिंग चल रही है, और ये जो लीप है प्लान किया जा रहा है कि जनवरी के एंड में लिया जाए, यानी कि जनवरी के एंड में आपको टेलीकास्ट किया जाएगा लीप, अगर ये लीप के प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं तो। स्टिल अभी के लिए काफ़ी टाइम है कि आपको यही जो नॉर्मल सीरियल चल रहा है वैसे ही देखने को मिलेगा। और जो मेकर्स हैं वो ये चाहते थे कि जनरेशन लीप के बाद भी इन दोनों एक्टर्स के काफ़ी सीन्स वगैरह आपको देखने को मिलें, तो वो अब नहीं हो पाएगा बिकॉज ये कंटिन्यू नहीं करना चाहते एज अप होके। लेकिन अगर कुछ सीन्स मेकर्स शूट करवाना चाहते हैं जो कि बाद में एज फ्लैशबैक्स वगैरह दिखाए जाएंगे, तो वो इन्हें ऑलरेडी अभी यानी कि नेक्स्ट कुछ हफ्तों में शूट करवाने पड़ेंगे, ताकि ये बाद में उन गिने चुने फ्लैशबैक सीन्स को दिखा पाएँ जब जनरेशन लीप आ जाएगा। तो गाइज, ये था एग्जैक्ट रीज़न क्यों ये दोनों ने शो को क्विट किया, बिकॉज कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या मेकर्स इन्हें निकाल रहे हैं या फिर एक खुद का डिसीज़न है। तो एक खुद का डिसीज़न है इनका, जो कि मैं एग्री करता हूँ इनके डिसीज़न के साथ। जब मेकर्स 20 साल का लीव ले रहे हैं तो उसके बाद इनका स्टोरी में एज एन एक्टर इन्वॉल्व होना कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगा इनके लिए, तो इनके जो डिसीज़न है वो इनके हिसाब से सही है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लीप के बाद भी सीरियल को देखेंगे या फिर नहीं, और आपकी क्या राय है इस जनरेशन लीप पे, क्या मेकर्स सही कर रहे हैं या फिर नहीं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिए, बड़े अच्छे लगते हैं कि फैंस के साथ। और इस पे सारे अपकमिंग अपडेट्स के लिए यानी कि इसके लीप पे सारी डिटेल्स के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी बड़े अच्छे लगते हैं या फिर सोनी टीवी की न्यूज़ को मिस बिल्कुल भी ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।